नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको PMSVY स्कीम के सच के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, PMSVY स्कीम यानी प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस योजना में दावा किया गया है कि 2.5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा और 2.5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इस योजना में दिया जाएगा और 5 लाख तक रुपए का शिक्षा बीमा इस योजना में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि लड़कियों को 6ठी कक्षा में पहुंचने पर 3000 रुपए देगी सरकार, 8वीं कक्षा में पहुंचने पर 5000 रुपए और 10वीं कक्षा में पहुंचने पर 7000 रुपए और 12वीं कक्षा में पहुंचने पर 8000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और लड़की के 21 साल पूरे होने पर उसे 2 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना में कितनी सच्चाई है यह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, साथ के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कैसे आप फ्रॉड स्कीम से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। दोस्तों, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं नॉलेज कोर्स। आइए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह स्कीम बहुत शेयर की जा रही है, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, क्योंकि इस योजना में फायदे ही इतने बताए गए हैं कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। दोस्तों, इस योजना के बारे में पता चलने के बाद मैंने भी सोचा कि मैं आपके लिए इस योजना पर एक वीडियो बनाऊं ताकि यह जानकारी मैं आप तक भी पहुंचा सकूं। जब मैंने इस योजना की जानकारी जुटानी चाहिए तो वहां से मुझे पता चला कि यह योजना फ्रॉड है, इस तरह की कोई भी योजना सरकार की तरफ से नहीं लागू की गई है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको स्कीम बताई जाती है वह पूरी जाँच परख करने के बाद ही आपको बताई जाती है, यह आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आइए यह मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप फ्रॉड स्कीम से अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह की फ्रॉड स्कीम से बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल पर चले जाइए और वहाँ पर जो भी स्कीम है उसके बारे में सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने सर्च किया PMSVY और PMSVY लिख के मैंने सर्च किया और ये यहाँ पर सर्च रिजल्ट मेरे सामने आ गए, जिसमें यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है शिशु विकास योजना की और उसके नीचे यहाँ पर काफ़ी सर्च रिजल्ट आ गए हैं जिसमें काफ़ी ब्लॉग्स में इस योजना के फ़ायदों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मुझे कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है, यही एक वेबसाइट दिखाई दी है PMSVY.in, इस पर हम चले जाते हैं। इस वेबसाइट को हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है शिशु विकास योजना से जुड़ी हुई, यहाँ पर कैसे आप डोनेट कर सकते हैं और यहाँ पर इसके बारे में आप इससे और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये सब जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। इस स्कीम से क्या क्या मेजर बेनिफिट होने वाले हैं, जैसे 2.5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख का एजुकेशन इंश्योरेंस और ये स्पेशल स्कीम्स भी यहाँ पर दिखी हुई हैं जिसके बारे में हमने बात की और यहाँ पर कितने लोगों ने इसमें एनरोल किया है और कितने NGO इससे जुड़े हुए हैं, ये सब जानकारी यहाँ पर दी हुई है। लेकिन हमें देखना था कि क्या ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ चले गए। दोस्तों, यह जो वेबसाइट है वह गवर्नमेंट की नहीं है, इसके सारे रिजर्व किसी A3N IT सर्वर्स को रिजर्व हैं। दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जरूर डाली जाती हैं और इस योजना में हमने देखा कहीं पर भी गवर्नमेंट का लोगो नहीं है और कहीं पर भी गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। हम यहाँ पर मेनू पर गए और इसमें अबाउट अस के थ्रू यहाँ पर इस वेबसाइट के बारे में जानने की कोशिश की। यहाँ पर इस योजना की सारी जानकारी तो दी हुई है दोस्तों, लेकिन यह गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई है इस तरह की कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं है और ना ही यह वेबसाइट गवर्नमेंट की है और ना ही इस वेबसाइट पर गवर्नमेंट का कोई एड्रेस दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह हमने पता लगाया कि कैसे यह एक फ्रॉड स्कीम थी। इस तरह आप किसी भी स्कीम के बारे में पता कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कीजिए और जो भी स्कीम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर दी गई हो उसे ही आप गवर्नमेंट की स्कीम मानिए। या फिर आप किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके उस योजना के बारे में बिल्कुल सही जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।